इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड से जुड़े दो मामलों में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर की फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इन मामलों में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह को निर्दोष करार दिया है। दरअसल सीबीआई ने निठारी कांड में 16 मामले दर्ज किए थे, जिनमें से 14 मामलों में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा मिल चुकी है, जबकि मनिंदर सिंह पंडेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज थे। इसमें से उसे 3 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसमें से 2 मामलों में वह पहले ही बरी हो चुका था। सीबीआई ने साल 2005 और 6 में नोएडा में हुए निठारी केस में सुरेंद्र कोहली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने को लेकर आरोपी बनाया था। वहीं उसके मालिक मनिंदर सिंह पंडेर को मानव तस्करी का भी आरोपी बनाया गया था। दोनों आरोपियों ने 2 मामलों में अपनी फांसी की सजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आरोपियों ने कोर्ट में कहा था कि इन घटनाओं का कोई चश्मदीद मौजूद नहीं है, उन्हें सिर्फ साइंटिफिक और कंडीशनल सबूतों के आधार पर ये सजा सुनाई गई है। अब जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस SHA रिजवी की बेंच ने दोनों केस में आरोपियों को बरी कर दिया है। क्या है निठारी कांड? 7 अक्टूबर 2006 को निठारी की एक युवती को पंडेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था। इसके बाद युवती वापस घर नहीं लौटी। युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर 20 थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था। इसके बाद 29 दिसंबर 2006 को निठारी में मनिंदर सिंह पंडेर की कोठी के पीछे नाले में पुलिस को 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे। पुलिस ने मनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में निठारी कांड से संबंधित सभी मामले सीबीआई को ट्रांसफर कर दिए गए थे। सीबीआई की तफ्तीश में आरोप लगाया गया कि पंडेर की कोठी से गुजरने वाले बच्चों को पकड़कर उसके साथ कुकर्म करता और फिर उसकी हत्या कर देता। हालांकि निठारी गांव के लोगों का कहना है कि पंडेर की कोठी से शरीर के अंगों का व्यापार होता था। उनका कहना है कि वे बच्चों को मारकर उनके अंग निकाल लेते थे, उसे विदेश में बेचा जाता था।